गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.11 सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इस एक्सरसाइज को कैसे पढ़ेंगे, 9.11, क्योंकि आपको पता है ना पॉइंट के बाद वाले डिजिट हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 9.11। तो ये एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 9.11। तो आज हम सॉल्व कैसे करेंगे एक्सरसाइज 9.11। तो इसमें आपके क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, सब्ट्रैक्ट, बस इतना ही है। यानी कि आपको ये आपकी किस फ्रैक्शन में दे रखे हैं आपको क्वेश्चन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्ट आज मैं आपको सिखाऊंगी। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 complete 3 upon 4 minus 1 complete 2 upon 4। आपके पास क्या है, 2 complete 3 upon 4 minus 1 complete 2 upon 4, ये है आपका क्वेश्चन, 2 complete 3 upon 4 minus 1 complete 2 upon 4। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, आपको इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो आप कैसे करोगे, पहले डिनोमिनेटर में जो दे रखा है आप उसको लिख लीजिए, 4 4 है यानी कि डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब आप इसे सॉल्व करिए कि 4 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 4 2 are 8, और 8 में 3 हमको क्या करना होगा, ऐड, ऐसे ही करते हैं ना हम, हाँ। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 4 2 are 8, और उसमें 3 कर दीजिए ऐड, तो 8 plus 3 बताइए कितना होता है, 11। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई 11 upon 4। अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 4 1 are 4, और 4 में 2 कर दीजिए ऐड, तो 4 और 2 6, तो ये हो गई आपकी 6 upon 4। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें डिनोमिनेटर आपके सेम हैं, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, 4 ऐसे लिख दीजिए और 11 minus 6 ऐसे लिख दीजिए, और 11 में से 6 माइनस करिए, कितना बचेगा, 11 में से 6 को माइनस करिए बच्चों, कितना बचेगा, 5। तो आपका आंसर क्या आया, 5 upon 4। पर हमारे पास क्वेश्चन कौन सी फ्रैक्शन में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमको इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, डिवाइड देकर, तो हम 5 को 4 से डिवाइड देंगे, 5 को 4 से डिवाइड देंगे, तो दीजिए डिवाइड, 4 1 are 4, 4 2 are 8 ज़्यादा होते हैं, तो हम 1 ही लेंगे, 4 1 are 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, 1। तो आपका ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अब आप लिखते कैसे हैं इसको, क्वोशेंट अपॉन रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गई, 1 complete 1 upon 4, 1 complete 1 upon 4। आपको इतना समझ में आ गया, यहीं पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो हमने क्या किया, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा था, हमने उसे इम्प्रॉपर में चेंज किया, और चेंज करने पे हमें पता चला कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं। तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों डिनोमिनेटर को 1 कर दिया और 11 minus 6 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5 upon 4। और आंसर आने पे हमको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो हमने 5 को 4 से डिवाइड दे दिया, तो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई 1 complete 1 upon 4। यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कैसा दे रखा है बताइए, 3 complete 2 upon 9 minus 2 complete 1 upon 6, ये भी आपका
मिक्स डिफ्रैक्शन में है, पर इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें इसमें एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को लिखिए पहले, अब चेंज करिए, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 9 3 27, 27 में 2 ऐड करिए, 29, वेरी गुड। अब आपको इसे चेंज करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 6 2 12, 12 में 1 ऐड करिए, 30। तो आपकी ये दो फ्रैक्शन हो गई, 29/9 माइनस 13/6। तो आपका इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमको पहले इसका एलसीएम लेना होगा। नंबर है हमारे पास 9 और 6, है ना। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, क्योंकि 6 को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 9 को हम नहीं दे सकते हैं, हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। 6 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 3। अब हम 9 को 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, और 3 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो हम लेंगे 3। अब आप 9 को 3 से डिवाइड, बताइए दे सकते हैं या नहीं, दे सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 3, और 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अभी हम एक और बार डिवाइड देंगे, 3 को 3 से डिवाइड देंगे, 1, और यहाँ पर पहले से ही 1 दे रखा था, तो हमारा एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18, तो आपका एलसीएम क्या आया, 18। अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, 18 को 9 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 में, 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है हमें, 29 में करिए, 29 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 = 18, 2 2 = 4, 4 + 1 = 5, आपका आंसर क्या आ गया, 58। बीच में साइन लगाइए माइनस का। अब आप ऐसे ही इसमें करिए, 18 को 6 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, बोलिए, 3, वेरी गुड, और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में, तो 33 = 39, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो 18 लिखिए और 58 में से 39 को कर दीजिए सबट्रैक्ट, तो 8 में से 9 सबट्रैक्ट करिए, नहीं जाएगा, तो हम 5 से लेंगे कैरी, तो 5 हो जाएगा 4 और 8 हो जाएगा 18। अब आप 18 में से 9 सबट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर था 4, और 4 में से 3 सबट्रैक्ट करिए, 1, तो ये हो गया आपका 19/18। पर हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 19 को 18 से देंगे डिवाइड, तो 18 × 18 सबट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, तो आपको इसे लिखेंगे कैसे, क्वोशेंट कितना है, 1, रिमाइंडर कितना है, 1, डिवाइजर कितना है, 18, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 complete 1/18। समझ में आ गया आपको, अब आप क्वेश्चंस को कर लेंगे अपने आप। आज मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिखा चुकी हूँ, अब आपको एक्सरसाइज अपने आप खुद करनी है, ओके। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको आज एक्सरसाइज 9.11 पूरी आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करनी है। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।